बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हमेशा ही सोशल मीडिया पर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं। हाल ही में कंगना की बहन रंगोली ने दीपिका पादुकोण पर अपनी भड़ास निकाली थी। वहीं अब लीजिए, रंगोली ने रेखा को लेकर सोशल मीडिया पर एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद हर किसी ने कंगना को ट्रोल करना शुरू कर दिया, या फिर यूं कहें कि लोगों ने कंगना को राखी सावंत से कंपेयर कर दिया। दरअसल रंगोली ने हाल ही में बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस रेखा को सोशल मीडिया पर बर्थडे विश किया था, जिसमें उन्होंने अपनी बहन कंगना को रेखा की कॉपी बताया। रंगोली ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज मैं कंगना को एक्सपोज करूंगी, वो रेखा की सस्ती कॉपी है, ये कुछ तस्वीरें हैं, आप देखिए और डिसाइड कीजिए। आपको बता दें कि रंगोली का ये कहना अब कंगना पर भारी पड़ गया है और वो सोशल मीडिया पर इसे लेकर बुरी तरह ट्रोल हो गई हैं। चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट्स। फोटोज देख लिए और डिसाइड भी कर लिया, तुम्हारी बहन रेखा जी की सस्ती कॉपी तो छोड़ दो, फ्री कॉपी भी नहीं है। नॉट रेखा जी, इट शुड बी राखी सावंत, बट पर्सनैलिटी वाइज राखी हैज बेटर पर्सनैलिटी देन हर, ये तो गटर छाप है। रेखा जी नहीं राखी, मतलब राखी सावंत की सस्ती कॉपी बनने का मैक्सिमम औकात है इस बदसूरत एक्ट्रेस की। पता नहीं ऐसे ब्लंट फेस लेके वो कैसे हीरोइन बन जाती हैं आजकल, थैंक्स टू द वर्ल्ड ऑफ HD मेकअप एंड कॉस्मेटिक सर्जरीज, वरना अगर ये 70s में आती तो साइड रोल भी नहीं मिलता। लुक्स अलाइक लाइक राखी सावंत इन साड़ी, इजिप्टियन मम्मी इज जस्टिफाइड, नॉट रेखा जी। तो देखा आपने, रंगोली ने कंगना को रेखा की सस्ती कॉपी बताकर अपनी और अपनी बहन का मजाक बना डाला है। लोग कंगना को राखी सावंत और इजिप्शियन मम्मी की कॉपी बता रहे हैं। बात करें कंगना के प्रोफेशनल फ्रंट की, तो इस साल रिलीज हुई उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इसके अलावा जजमेंटल है क्या भी लोगों को काफी पसंद आई थी। वहीं अगले साल वो डायरेक्टर अश्विन अय्यर तिवारी की फिल्म पंगा में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा वो अगले साल दिवाली पर धाकड़ नाम की फिल्म लेकर आ रही हैं। इस फिल्म में कंगना फुल ऑन एक्शन करती नजर आएंगी। वैसे आपको क्या लगता है, कंगना वाकई में रेखा की सस्ती कॉपी लगती हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।